समाज के लोगों ने कुछ लोगों पर जातिवाद का जहर घोलने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सर्व समाज के सैकड़ों लोग कृष्ण कुटेल निगम पार्षद बलविंदर सिंह, राजपूत सभा ब्लॉक प्रधान गोल्डी राणा, विकास शर्मा व जीत राम कश्यप के नेतृत्व में सेक्टर 12 हुड्डा ग्राउंड में एकत्रित हुए। इस दौरान मीटिंग की गई। मीटिंग में सर्व समाज के लोगों ने कुछ लोगों पर जातिवाद का जहर घोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का विरोध किया जाए ताकि भाईचारा ना टूटे। सर्व समाज के लोगों ने कहा कि महिलाओं के प्रति सभी सहानुभूति रखते हैं। इस दौरान कृष्ण कुटेल ने कहा कि पिछले दिनों करनाल ब्राह्मण सभा के प्रधान सुरेंद्र बड़ोता सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भड़काकर जातिवाद का जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। सर्व समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि ब्राह्मण समाज के प्रधान सुरेंद्र बड़ोता व उनके साथियों के खिलाफ जातिवाद का जहर घोलने का षड्यंत्र रचने पर कार्यवाही की जाए। ज्ञापन लेने के बाद जिला उपायुक्त ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। जो अपशब्द बोल रहे हैं हमारे एसपी साहब के खिलाफ, हमारे प्रशासन के खिलाफ, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसका जो अपशब्द उसने बोले हैं वो अपने शब्दों को वापस ले, क्षमा प्रार्थी और सर्व समाज के सामने। क्या शब्द बोल रहे हैं? जाति सूचक शब्द बोले हैं, जो भी इसने बेटी के एक बलात्कार के बारे में उसकी सपोर्ट लेकर के एक विशेष जाति के बारे में अपशब्द का प्रयोग किया है, वो शब्दों को वापस ले और क्षमा प्रार्थी हो, अन्यथा नहीं सरकार प्रशासन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। कृष्ण जी, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने मामले की जांच सही से नहीं की, एसपी साहब जांच को ट्रांसफर कर देते हैं, आपको क्या लगता है कि पहले मांग की जा रही थी कि जांच सही से नहीं हो रही, अब ट्रांसफर कर दिया तो उसके बाद भी इस तरह से जो चल रहा है, क्या कारण लग रहा है आपको? देखो भाई साहब, अगर कोई समझदार व्यक्ति है, अगर बुद्धिजीवी व्यक्ति है तो ये तो अक्सर होता है, अगर किसी भी हम प्रशासनिक अधिकारी से संतुष्ट नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। आप बहुत सी एजेंसी ऐसी हैं, महिला आयोग है, ह्यूमन राइट्स है, SIT है, CBI है, अपनी निष्पक्ष जांच जो है कि वो करवा सकते हैं। लेकिन ये दोष लगाना जो है कि ये हम गलत समझते हैं इसको जी, और ये आज से नहीं है। जब परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान बनाया, आज भी उसको गंदी मानसिकता से जो है कि लोग देखते हैं, जबकि उसने पूरे देश को जो है कि ये संविधान देने का काम किया है। लेकिन कुछ अधिकारी हैं जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं, बहुत से अधिकारी हैं यहाँ पर और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है, लेकिन आज कुछ जो है कि जातिवादी मानसिकता का शिकार लोग हैं और वो अपनी जो है कि राजनीति को चमकाने के लिए इस अनाप शनाप बयान दे करके जो है कि वो बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ज्ञापन देने के लिए इंतजार कर रहे हैं किसको? हम डी साहब को, डी साहब का इंतजार है जी, मैसेज करवा दिया आगे प्रशासन ने जो है कि वो इंक्वायरी कर और उसका मर्डर हुआ था तो ये भी हल करने का काम किया है। मुख्य रूप से यहाँ पर अनेक कांड वो गोंदर का है जी सर, ज्ञापन देंगे आप? हम आज CM के नाम जो है कि DCG को जो है कि हम आज ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन इसलिए देंगे कि आज जो ओछी राजनीति, जो समाज को फाड़ने का, भाईचारा खराब करने की जो बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कि कानूनी कार्रवाई करके उनके खिलाफ जो है कि मुकदमा दर्ज किया जाए और जेल की सलाखों के पीछे उनको डालने का काम करें। आज यहाँ मुख्यतः किस लिए इकट्ठे हुए हैं? आज मुख्यतः हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि आज धार्मिकता की आड़ के अंदर कुछ लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जो है कि वो ओछी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। कौन लोग हैं? वो सुरेंद्र बड़ोता जी हैं। और मैं एक बात और मीडिया के सामने मैं बताना चाहूँगा कि मैं उस सुरेंद्र बड़ोता जी से, वो जो ब्राह्मण समाज का जो प्रधान है, कोयर गांव के कुलभूषण जी हैं, जिनके ऊपर वाइस प्रेसिडेंट है, वो वाइस प्रेसिडेंट जो है कि ब्राह्मण समाज का है, कोयर गांव का कुलभूषण, और एक रेप का मामला, एक एप्लीकेशन आई है, रेप का मामला है, तो मैं उस सुरेंद्र बड़ोता जी से कहना चाहूंगा कि वो उसका मामला दर्ज कराने का काम करें। ये घटिया राजनीति जो करने का काम करे तो इसे पीछे हटने का काम करे वो। और समाज से हमारे लोग इकट्ठे हुए हैं तो इसका कारण यही है कि एक सुरेंद्र बड़ोता जो ब्राह्मण समाज से, एक धार्मिकता की आड़ में, जैसा हमारे कृष्ण कुटेल जी ने बताया है, धार्मिकता की आड़ में वो आपसी भाईचारा खराब करवाना चाहता है। माना कि किसी अधिकारी की काम में ढील हुई है तो आप अधिकारी को उसकी अपनी नाराजगी जता सकते हो, उसके खिलाफ ज्ञापन दे सकते हो, लेकिन आप किसी को जाति सूचक शब्द कह के किसी विशेष जाति को टारगेट नहीं कर सकते। ऐसा जो मानसिकता वाले लोग हैं ये बिल्कुल हमारे आपसी भाईचारे को खराब करने का काम कर रहे हैं। हमारी प्रशासन से यही एक
मांग है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और करनाल पुलिस प्रशासन अपनी पूरी ईमानदारी से काम करते हैं और हमारे एसपी साहब हैं उन्होंने बड़े बड़े मामले आप सभी के सामने हैं बड़े बड़े मामले बड़ी जल्दी सोल्व करके दिए हैं। ये हमारी मांग है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.